छोले के अनसुने फायदे जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो के साथ बने रहें। Hey everyone, welcome to the channel। आज के वीडियो में मैं आपके सामने ला रही हूँ अमेजिंग फैक्ट्स छोले के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ये देखिए, ये छोले जो हमारे घरों में होते हैं, क्या आपको पता है ये कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और इनके कई सारे फ़ायदे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ये जो छोले हैं, सफ़ेद, काले या छोलिया, हमारे लिए कैसे लाभकारी है, कैसे फ़ायदेमंद है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, छोले के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो बड़ी कमाल की होती है। अगर आप छोले को खाते हैं तो छोलों के अंदर प्रोटीन और फाइबर दोनों मिलकर ऐसा काम करते हैं कि आपको भूख नहीं लगती, आपका पेट भरा रहता है। तो अगर आप डाइट पे हैं तो छोलों को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। दूसरा फायदा, देखिए स्टडीज़ में देखा गया है कि जो इंसान एक कप डेली छोले खाता है वो अपने वेट को रिड्यूस कर लेता है 25% से ज़्यादा उन लोगों से जो छोले नहीं खाते हैं। तो अगर आप ही वेट लॉस प्लान में हैं तो अपने डाइट में छोलों को ज़रूर ऐड करें। छोले खाने से आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। तो वेट लॉस के लिए भी छोले बहुत लाभदायक है, बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। आप काले या सफ़ेद चने को भी खा सकते हैं, दोनों ही बहुत बढ़िया होते हैं। क्या आपको पता है कि छोलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि GI काफ़ी कम होता है, यानी कि ये लो कैटेगरी में आता है, जिससे ये आपकी बॉडी में एकदम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। तो आप ये पहले भी जान चुके हैं, मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ वेट लॉस पर भी। तो उस हिसाब से लो GI फूड खाने चाहिए उन लोगों को भी जो शुगर के पेशेंट हैं, जो अपना ब्लड शुगर मैनेज करना चाहते हैं। तो अगर आपको शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप छोले आज ज़रूर खाना स्टार्ट करें। आजकल लोगों का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम होने लगी, हार्ट डिजीज़ होने लगे हैं। तो आपको क्या पता है कि जो छोले होते हैं ये आपके कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे LDL कहते हैं और ट्राइग्लाइसराइड्स को भी कम करता है, यानी कि आपके हार्ट डिजीज़ के रिस्क को बिल्कुल कम कर देता है। तो आप छोलों को ज़रूर खाएं कि अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट से होने वाले हार्ट अटैक वगैरह इन सब से बचाता है। आप छोलों को कई तरह से कंज्यूम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, आप सब्जी बना सकते हैं, आप रोस्टेड छोले ले सकते हैं या आप उनको सोक करके बॉईल करके भी खा सकते हैं। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप छोले ज़रूर खाएं। छोलों के अंदर कुछ ऐसे विटामिंस और मिनरल्स होते हैं जो कैंसर के रिस्क को भी कम कर देते हैं। इसके अंदर विटामिन बी होता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर के जो रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो छोला एक अमेजिंग फूड है। आप चाहे काले खाएं, चाहे आप सफ़ेद खाएं, चाहे बॉयल खाएं, पर खाएं ज़रूर। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।